अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज जी मैं आपके लिए लेके आई बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी, वो है जी हाई प्रोटीन सैलड की रेसिपी। इस सैलड के जी बहुत से एडवांटेजेस हैं। फर्स्टली, जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं वो ये सैलड यूज़ कर सकते हैं। जो लोग जिम वगैरह जाते हैं उनके लिए सैलड बहुत बेनिफिशियल है। मान लीजिए मानसून का सीज़न चल रहा है, आप सबको पता है लंच और डिनर में खाना वगैरह खाने का दिल नहीं करता, तो हम ये सैलड एज अ लंच एंड डिनर भी यूज़ कर सकते हैं। गेस्ट के आगे भी हम ये सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़े की बनने वाली रेसिपी है। आपने इस रेसिपी को ट्राई करना बिल्कुल भी नहीं भूलना और मुझे भी फीडबैक देना है कि आपको ये सैलड की रेसिपी कैसी लगी। जी डिले किए बगैर रेसिपी की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, हमें ये वाले इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे जो सैलड बनाने में हमारी हेल्प करेंगे। सबसे पहले जी मैंने यहाँ पे लिए फ्रूट्स, जिसमें है आड़ू और मैंगो। उसके बाद यहाँ पे मैंने सम वेजिटेबल्स लिए हैं, कुकम्बर, टमाटो, कैप्सिकम एंड अनियन। इतने इंग्रेडिएंट्स से आपका एक बाउल आराम से तैयार हो जाएगा। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है खीरा और उसको मैं इस तरह से कट कर लूँगी। आपने वेजिटेबल्स और फ्रूट काटते हुए एक बात का ध्यान रखना है, आपने उसको बहुत ही नीटली कट करना है, ना ज़्यादा छोटा और ना ज़्यादा बड़ा, ठीक है। इस तरह सैलड की खूबसूरती का ध्यान भी हमने साथ साथ रखना है। खीरा हमारा सारा कट हो चुका है, उसको डालते हैं जी बाउल में। एक एक करके वेजिटेबल्स कट करते जाते हैं और उसको बाउल में ऐड करते जाते हैं। अब बारी है जी शिमला मिर्च कट करने की। शिमला मिर्च भी मैंने लिया है एक और उसको भी मैं इसी तरह नीटली कट कर लूँगी। सारी शिमला मिर्च हमारी अच्छे से कट हो चुकी है, अब हम इसको भी खीरे के साथ बाउल में ऐड करते हैं। इस तरह अब बारी है जी टमाटर कट करने की। टमाटर को मैं करूँगी सेंटर कट और इसके बीज में कर दूँगी रिमूव और इसको भी अच्छे से काट लेंगे। टमाटर हमारे अच्छे से कट हो चुके हैं, इसको भी करते हैं बाउल में ऐड। ये देखें इस तरह। और फिर हम काटेंगे प्याज और उसको भी कर लेंगे बाउल में ऐड। सारी वेजिटेबल्स हमारी अच्छे से कट चुकी हैं, अब बारी है जी फ्रूट की कटिंग की। फ्रूट्स में मैं सबसे पहले आड़ू को काटूंगी और फिर हम मैंगो को काटेंगे। आड़ू को भी हम वेजिटेबल्स के साथ बाउल में काट देंगे ऐड। और अब हम काटते हैं जी मैंगो।
मैंगो भी हमारे अच्छे से कट चुके हैं, इसको भी ऐड करते हैं। ये हैं जी हमारे सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में जी हमें चाहिए होंगे ये सारे स्पाइसेस। सबसे पहले जी मैंने लिया है मायोनीज 3 टेबल स्पून, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, चाट मसाला पाउडर और लेमन। बस ये हमें स्पाइसेस चाहिए होंगे। सबसे पहले जी हम इसमें ऐड करेंगे सारे स्पाइसेस, लेमन ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे मायोनीज। अच्छे से करते हैं इनको मिक्स। मज़ेदार सी सैलेड हो चुकी है जी हमारी तैयार, फुल ऑफ वेजिटेबल एंड फुल ऑफ फ्रूट, विटामिन से भरपूर सैलेड है। हर चीज़ जी इस रेसिपी में मैंने आपको बहुत डिटेल से समझाई है, चाहे वो कटिंग हो चाहे वो रेसिपी। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल फूड एंड मूड को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये रेसिपी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, और कोई नई रेसिपी सीखने के लिए भी ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।